पर आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे। तो इन्होंने मोहन स्टूडियो में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए, और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह। तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट किया। इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार ज़िंदगी में। तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर। तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माय स्ट्रगल इज़ गॉट ओवर। तो एक वो सपना था कि एक फिल्म बनाएंगे, और अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया। दैट्स व्हाई आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट ही इज़ हियर टुडे। एंड सेम वे आफ्टर परिंदा, आफ्टर 42, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहाँ फिल्म बनाए जहाँ, जिसकी वहाँ के लोग तारीफ करें। सो फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी। अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वो विद्या विहारनू छोकरों हैं गुजराती में, और हम कश्मीर के हैं, हम दोनों हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने कहा इंग्लिश में लिखेंगे, तो लोग हम पे हंसने लगे। विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, अभिजात को याद होगा, जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश शिट, आपको याद है अभिजात? तो हम हंसते थे। एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा, भैया बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफ़ी की बात है, और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट ड्रोव मी।